हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.3 के आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 8.3 एक्सरसाइज बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले इन तीनों चीजों के बारे में आपको बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें कौन कौन सी कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल एक डायरेक्ट फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, क्या? पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। सो पी क्या होता है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या चीज है? प्रिंसिपल क्या है कि जो सम ऑफ अमाउंट आप जमा करोगे वही प्रिंसिपल होगा। टी इज द टाइम पीरियड, कितनी समय, कितने समय के लिए करोगे। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और किस परसेंट पे करोगे, ठीक है, अपॉन 100। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, क्वेश्चन जब करूंगा तो और बेहतर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अमाउंट अब ध्यान रखिएगा, अमाउंट क्या होता है? अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट बात करूं तो अमाउंट होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, सिंपल सी बात, यहां तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट इजी से टॉपिक था। आप चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको अमाउंट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन, और फिर मैं आपको सी आई का फॉर्मूला बताऊंगा ए माइनस पी। मतलब जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हो तो पहले आप क्या निकालो, पहले आप अमाउंट निकालो। ठीक है, ये सारी चीज वही है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये देखो एन। जबकि टाइम तो टी होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि टी को एन क्यों लिखा गया, इसका रीजन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अमाउंट निकाल दिया, फिर सी आई कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, आपका सी आई आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये कि आप टाइम को यहाँ पर एन क्यों डिनोट कर रहे हो, तो यहाँ पर तीन अलग अलग केस है, वो तीनों केस हमारे एक्सरसाइज के अंदर है, ध्यान से सुनते हैं। मान लीजिए केस है ईयरली का, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा ईयरली, या फिर लिखा होगा एनुअली, ये दोनों चीज एक ही है। इसमें ध्यान रखना जो आपका टी होता है, टाइम पीरियड दिया होता है, वो डायरेक्टली एन के बराबर हो जाता है। मतलब जैसे दे रखा है 2 साल के लिए, तो समझ जाना यहां पर टी और एन एक है, मतलब डायरेक्ट एन बराबर आप 2 लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में एन लिखा हुआ है ना, टी तो है नहीं, टी क्यों नहीं है, ये बस आपका अगला पार्ट है। ठीक, अब मान लीजिए यहां ईयरली ना होता और क्या लिखा होता, मान ली लिखा होता हाफ ईयरली, तो क्या चेंज आता? तो समय देखो कैसे दिया होगा क्वेश्चन में, समय दिया होगा आपको 1.5 ईयर, ठीक है, जिसको आप टी मान रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या है, हाफ ईयरली दिया हुआ है ना, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, तो देखो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, भाई 6 6 6 हो गए 1.5 साल, तो यहां एन हो गया 3। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको ईयरली गिवन होगा तो जो समय आपको दिया है टाइम 2 साल 3 साल 1 साल, वो डायरेक्टली एन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको समय, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में हाफ ईयरली वर्ड लगा के दिया हो, तो ध्यान रखना गिवन समय को आपको 6 6 के इंटरवल्स में तोड़ना है। जैसा मान लीजिए आपको 2 साल दिया होगा, तो एन कितना हो जाता, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, मतलब 2 साल में 6 महीने 4 बार आएंगे, तो यहां मैं एन को 4 लिख देता, 2.5 ईयर्स, तो भाई 6 महीने 2.5 साल में कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे, तो एन 5 हो जाता। मान लो टाइम ही आपको 6 महीने दिया होता, तो 6 महीनों में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 1 ही बार आएंगे ना, तो एन उस केस में 1 हो जाता। तो ध्यान रखना टी और एन हाफ ईयरली वाला केस, और अब जो मैं नेक्स्ट आपको क्वार्टरली बताने जा रहा हूं उसमें ही चेंज आता है। नेक्स्ट मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्वार्टरली, अब क्वार्टरली भी क्या चेंज आता है, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। हमेशा ध्यान रखना 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 3 3 महीने के, ठीक है, तो 1 साल में 4 क्वार्टर 3 3 महीने के। अब मान लो आपको टाइम कितना दिया हुआ है, मान लीजिए आपको टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स, तो ये 9 मंथ्स तो टी है, लेकिन क्योंकि हमें क्वार्टरली दिया है तो चेंज करना है, मतलब 9 महीनों में 3 3 महीने कितनी बार आएंगे। मैंने बोला था क्वार्टर में 3 महीने दिए जाते, जैसे हाफ ईयरली में 6 6 महीने का स्लॉट होता है, ऐसी क्वार्टरली में 3 3 महीने का स्लॉट होता है, तो 9 महीनों में 3 3 महीने कितनी बार आएंगे, तो आपको 3 3 और 3 3 बार आएंगे, तो यहाँ डायरेक्टली एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब टाइम तो आप 9 महीने लिखोगे, जो फॉर्मूले में एन है वहां एन को लिखोगे 3। और बताता हूं, मान लीजिए आपको 1 साल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, ठीक है, लेकिन दिया क्वार्टरली है, तो चेक करो कि 3 3 महीने
एक साल में कितनी बार आएंगे, तो पक्की बात चार बार आएंगे ना, तीन महीने तीन महीने तीन महीने तीन महीने हो गया पूरे एक साल, लेकिन चार बार आए तो यहाँ पर डायरेक्टली एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से टी और एन का रिलेशन है जो यूज करने के लिए सिर्फ होगा हाफ ईयरली और क्वार्टरली में, ईयरली में तो टी और एन बराबर होता है। अब ये पूरा कंसेप्ट हुआ एस आई अमाउंट और सी आई का। अब चलिए इसकी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज से जुड़े और सारे बाकी क्वेश्चंस देखने तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी बुक से पढ़ता हूँ। कमला बोरोड ₹26,400। कमला बोरोड तो क्या चीज आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 26,400, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स के साथ लिखें, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। From a bank to buy a scooter at the rate of 15%. Rate of interest दिया है आपको, जो कि R से denote किया जाएगा, कितना? 15%. और देखिए क्या दिया हुआ है आगे? Compounded yearly. Okay, yearly दिया हुआ है, मतलब annuity बराबर होते हैं इसमें। What amount should she pay at the end of 2 years 4 months to clear the loan? Okay, time दिया हुआ है, जिसको T से denote करते हैं, 2 years 4 months. अब मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में तीन केस बताए थे, ईयरली हाफ ईयरली और क्वार्टरली। सच बताओ ये तीनों में से कोई सा केस नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट केस है, क्योंकि चार महीने ना तो क्वार्टरली में आता है ना ये हाफ ईयरली में आता है, तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो इन स्पेशल केसेस को जहां पर 4 months 5 months 7 months इस तरह का केस आ जाए तो फिर सॉल्व करने का तरीका क्या है, बिल्कुल स्पेशल तरीका है, आप ध्यान रख सकते हैं, समझ लीजिए, ना ये हाफ ईयरली की तरह सॉल्व होगा ना ही क्वार्टरली की तरह, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, लेकिन याद रखो ये जो 2 ईयर है ये तो बिल्कुल ईयरली की तरह सॉल्व होगा, लेकिन ये जो 4 months है इसका सॉल्व करने का तरीका अलग है। चलो देखो जरा क्या अमाउंट निकालते हैं, तो प्रिंसिपल 1 + R1/100 N1 और 1 + R2/100 N2। अब ये तो कंफर्म है कि हमें दो अलग अलग केस सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें ये वाला केस तो पूरा ईयरली की तरह सॉल्व होगा, लेकिन ये केस सॉल्व कैसे होगा उसका तरीका देखिए, ठीक है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है A = P, तो ये हो गया 26,400 1 + R1/100। अब आप कहेंगे इसमें ये R1 क्या चीज है, क्योंकि मेरे पास तो सिंगल R है, तो ध्यान रखिएगा ईयरली वाला केस जब हम सॉल्व करते हैं, मतलब जब हम ये 2 ईयर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये R1 अभी आपका 15 ही रहेगा, ठीक है, अपॉन 100 अपॉन N1, N1 क्या होगा, ये 2 साल, ठीक है, ये N1 और 15 आपका R1, लेकिन ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस मतलब 4 months तो ना हाफ ईयरली में होता है ना क्वार्टरली में, तो ये अगला ब्रैकेट कैसा होगा, 1 + ध्यान समझिएगा R2। अब ये R2 को लिखा कैसे जाएगा वो समझ लीजिए आप जरा, R2 में पहले R की वही वैल्यू 15, लेकिन ये जो 4 month आपको दिया हुआ है ये 4/12 कर दिया जाएगा, कहने का मतलब है 4 month को 12 से डिवाइड करके मैंने ईयर में चेंज कर दिया, और जो अपॉन का 100 है वो एज इट इज नीचे रहेगा और N2 1। ये ऐसा तरीका है, अगर यहाँ 4 महीने की जगह 7 महीने लिखा होता 5 महीने लिखा होता तो मैं क्या करता, मान लीजिए 7 महीने लिखा होता तब भी मैं लिखता 7/12, 5 महीने लिखा होता मैं लिखता 5/12, 15/100 वो सेम, और यहाँ N2 हमेशा 1। तो समझ जाइएगा 4 months 5 months 7 months स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है, तो स्पेशल केस के लिए दूसरा ब्रैकेट बनेगा, आर की वैल्यू 15/100 रहेगी, लेकिन ये जो समय है 4 month का इसको ईयर में चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और N2 को हमेशा 1 रखा जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था, बस अब सॉल्व करने रह गए, जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका नेट आंसर हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। सॉल्व करते हैं कितना आएगा देखिए, तो 5 × 15 = 0, यू गेट 23/20, पावर में 2 है ना, तो 2 बार 2 कर दिया इसको मैंने, यहाँ देखिए ये 25 जाएगा, फिर 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 3/4, ये हो गया 1 + 1/20 ⅓। आगे सॉल्व करते हैं, अमाउंट आया 26,400, 23/20 × 23/20 × एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 21/20, और सब सॉल्व करना रहेंगे। अब मैं अगर पूरा सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है 36,659 ₹70। अब हमसे क्वेश्चन मांग रहा था कि फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ्स, तो कितना उसे रीपे करना है लोन को क्लियर करने के लिए,
36,659.70 रुपीज़। क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।